Welcome back. This is our third lecture. Okay, and in this lecture we are going to discuss mole fraction, which is again going to tell you about the strength of the solution, as well as we'll look into the dilution concept. Okay, तो सारा कुछ अभी जो बात हो रहा है वो किसका हो रहा है, एक सोल्यूशन है उसका डिफरेंट कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट का परसेंटेज क्या था, डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करता है, और इनका कोर कॉन्सेप्ट था कि सब कुछ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज एक लेक्चर डाले थे, बहुत लोग अच्छा कर रहे हो, उसमें बहुत खुशी की बात है। सारे लोग ऐसे ही अटेम्प्ट करते रहो तो धीरे धीरे, और ये सारा बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है और बेसिक अप्रोच है, लेकिन इसी को समझने से आगे धीरे धीरे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। मोल कंसेप्ट इतना वाइटल है कि इससे जेईई मेंस में, आईटी एडवांस में तुम लगभग एक या दो क्वेश्चन देखोगे ही देखोगे। एटलीस्ट एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट इन अदर क्वेश्चंस विल बी यू नो ऑब्जर्व। तो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से, जिनमें यूग्रास वर्क आई थी, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपना बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी रात के 11:30 पे वीडियो शुरू हो रहा है। ओके, तो देखते हैं कि तुम्हारे तरफ से कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ओके, तो सिंपल सा वही चीज फ्रैक्शन है जो मैथमेटिक्स क्लास 6-7 में पढ़े थे। अभी बोलेंगे किस क्लास में 50 स्टूडेंट है, सेम एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन, 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। परसेंटेज नहीं निकालना है, माइंड यू, हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज विच इज 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 20 प्लस 30 दैट इज 50, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/5। अब इसी फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज, राइट। तो ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। उसी तरीके से फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, यहां मैंने कहा है यहां पर एक और चीज सीखेंगे, वो क्या है, 30/50, क्योंकि नीचे तो टोटल ही रहेगा, तो ये चला गया हमारा 3/5। अब दोनों फ्रैक्शन को हम इंडिविजुअली निकालें, बॉयज का फ्रैक्शन, गर्ल्स का फ्रैक्शन, ठीक। और टोटल फ्रैक्शन जो हो सकता है वो हमेशा वन होगा, टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5 + 3/5 विच इज इक्वल टू 1। ये तीन पॉइंट याद रखना। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं मतलब एक पॉपुलेशन में कितना, मान लो कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा, ठीक, इन इंडियाज पॉपुलेशन। तो क्या करेंगे, उड़ीसा का पॉपुलेशन डालेंगे, नीचे पूरे इंडिया का, आगे फ्रैक्शन, उसी को मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हैं तो हमारा परसेंटेज आता है, ठीक। और टोटल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आएगा, 100%। इसीलिए टोटल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी कंपोजिशन का वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1, यानी कि 100% उसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक। तो ये चीज समझ में आ रहा है, तो समझ लो कि सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। कई बार हम बोल चुके हैं कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारा चीज जो है ये सोल्यूशन केमिस्ट्री का है ही नहीं, ये क्लास 6-7-8 का मैथमेटिक्स है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में देख रहे हैं। ओके, तो मान लो कि एक सोल्यूशन हम बना रहे हैं, ओके, सोल्यूशन में ए डाले जो कि सोल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी हो रहा है, बी डाले जो कि सोल्यूट या सॉल्वेंट में से कोई एक है, मतलब ये अगर सोल्यूट है तो दूसरा सॉल्वेंट, ये सोल्यूट है तो ये सॉल्वेंट, ओके। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से, कैपिटल एक्स से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल एक्स और नीचे में सबस्क्रिप्ट ए डालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो, अभी बॉयज का फ्रैक्शन था, अभी मोल का फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ
moles of A plus number of moles of B. देखो क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन इसका निकाल रहे हैं, लेकिन कैसा फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, यानी पहले A का मोल निकालना होगा, फिर A का मोल और B दोनों का मोल निकालना होगा, तभी हम फ्रैक्शन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, तो इससे हमको निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिर्फ A का फ्रैक्शन होता तो क्या करते, मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, लेकिन पूछ क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन, तो सारे कंपोनेंट का पहले मोल्स निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में टोटल आएगा। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, एन ऐसे लिख दो, ए लिख दिया मतलब इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना है, पहले उसका मोल्स निकालना है, तो मोल का फ्रैक्शन हम निकालना है, ठीक है। तो सारे ही चीज में एक कॉमन चीज आ गया, याद करो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो इन तीनों चीज में एक कनेक्शन है कि हमको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका पता होना चाहिए, और वो तरीका हम लोग बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब तो काफी क्वेश्चन भी हो रहा है, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम दिए थे जो कि था कि मास परसेंटेज निकालना था, अभी उस क्वेश्चन को हम लोग मोल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, राइट। तो मास परसेंटेज क्या था कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट इज C6H6, ये है बेंजीन, इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन मतलब उसके मोल का कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। तो निकालते हैं, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऐसे लिखे, किसका निकाल रहे हैं, पहले बेंजीन का निकालते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H6, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, इसको सॉल्व में हम लिख दिए हैं, ठीक है। बहुत आसान है, यानी मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जितना कंपोनेंट है सबका पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जितना भी कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट से बना है, तो ये कैसा सोल्यूशन हो गया, बाइनरी सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन, बाइनरी मतलब टू, ठीक है। तो दो सोल्यूशन का कंपोनेंट अगर दो है तो वो क्या हो गया, बाइनरी सोल्यूशन, सोल्यूशन का कंपोनेंट अगर तीन है तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर चार कंपोनेंट, मान लो तीन टाइप का सोल्यूट मिला है, शुगर मिला दिए, सॉल्ट मिला दिए, ग्लूकोज मिला दिए और सॉल्वेंट मान लो डाल दिए वाटर, तो तीन प्लस एक चार कंपोनेंट, मतलब क्वार्टरनरी सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहले हम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन में जितना भी कंपोनेंट है, बाइनरी है तो दोनों का, टर्शियरी है तो तीनों का, सबसे पहले इंडिविजुअली हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे साइड में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है इसका, 22 ग्राम, ध्यान दो 22 ग्राम C6H6 है, ठीक। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, 22 बाय मोलर मास, मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास क्या हो जाएगा, इसी का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 72 + 6 यानी कि 78 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा इसका 22/78। चलो अगला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, तो क्या हो जाएगा C का होता है 12 और इसका हम Cl का ले लेते हैं 35.5 नहीं ले रहे, 35 ले के सॉल्व कर रहे हैं, चलो 35.5 ले लो, कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 35 × 4 क्या हो जाएगा 112 + 142 होना चाहिए, हाँ 142 राइट। तो क्या हो जाएगा इससे हमारा टोटल क्या हो जाएगा 154। तो गिवन मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 निकाल रहे हैं, तो CCl4 निकाल रहे हैं तो CCl का गिवन मास कितना है 122 / मोलर मास, CCl4 का मोलर मास कितना हो गया 154, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका भी आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है x ऑफ C6H6 का। तो क्या हो जाएगा ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 जिसका निकाल रहे हैं उनका आ जाएगा ऊपर, वो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा टोटल, तो क्या हो जाएगा 22/78 / टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 22/78 प्लस इसका भी नंबर ऑफ मोल्स को इंक्लूड करना है, तो क्या हो जाएगा 122/154 करेक्ट। तो इसको एक बार बना लो, ओके ठीक है, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हमको निकालना है क्या CCl4, देखो बहुत आसान है, तो ऑलरेडी सारा कुछ निकाला हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 के लिए ऊपर में क्या आ जाएगा जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं वो न्यूमरेटर, तो CCl4 का हो जाएगा 122/154 / टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो तो सेम रहेगा 22/78 + 122/154, नीचे देखो सेम है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा जितना कंपोनेंट है सारे का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेंगे, देन जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो न्यूमरेटर में जाएगा और नीचे में सबका नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये निकालें, फिर मोल फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर में जिसका डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, नीचे टोटल आ रहा है सिमिलरली दूसरे का, तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा देखो, अब इसी चीज में ध्यान दो कि हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 तक यहां तक रख सकते हैं, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 इज 122/154 क्योंकि ये गिवन मास है, ये मोलर मास है। अब देखो C6H6 का मोल फ्रैक्शन पूछा गया था ऐसा 22/78 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन / टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 22/78 + 122/154 राइट। अब मान लो कि हमको निकालना है x ऑफ क्या निकाल रहे हैं CCl4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 122/154 / 22/78 + 122/154 इस मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड क्या है कि x ऑफ, चलो इसको हम एक बार और बताते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है, वरना कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन करेक्ट। तो मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें a है और b है, तो x ऑफ a क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a / नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a + नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, यानी हमेशा जितना कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आता जाएगा। x ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b / नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a + नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, ये तो सबको पता हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि हमेशा फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1 होगा, तो x ऑफ a + x ऑफ b इज इक्वल टू 1, हम पहले दिखाएंगे कि कभी भी फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1 होगा, बॉयज और गर्ल्स का एग्जांपल से याद करो।
तो अगर x से पता है तो एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी निकालना है, मान लो एक्स से हम निकाल चुके हैं तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स ऑफ ए, वन माइनस एक्स ऑफ ए। तो जैसे हम लोग निकाले थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी सिक्स एच सिक्स आया था कुछ 22/70 a + 122/154, राइट। अब मान लो एक्स ऑफ को क्या निकालना है, सी सी एल फोर, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, वन माइनस एक्स ऑफ सी सिक्स एच सिक्स, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी सी एल फोर। यानी दोबारा कैलकुलेट उतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो दोनों का फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और एक का फ्रैक्शन अगर निकल गया है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, वन माइनस प्रीवियस वाले का। तो एक्स ऑफ सी सी एल फोर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ऑफ सी सिक्स एच सिक्स आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी सी एल फोर निकल जाएगा। ठीक, मान लो कि हमारे पास टर्शियरी सोल्यूशन है, हमारे पास टर्शियरी सोल्यूशन है यानी कि एक्स सी भी नाम है, तो एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अब फ्रैक्शन तीनों का सम क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे इस क्लास में टोटल कितना ह्यूमन है, तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ टीचर्स, तो सबका फ्रैक्शन को अगर सम करेंगे तो वन आएगा, तो तीन कंपोनेंट है तो इसका भी सम आएगा वन। तो मोल फ्रैक्शन का सम अगर करेंगे तो एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ सी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑलवेज वन, क्योंकि फ्रैक्शन का सम हमेशा वन आएगा। तो यहाँ पर अगर ए आएगा तो वन माइनस एक्स ऑफ बी प्लस वन एक्स ऑफ सी कर सकते हैं। अगर एक्स ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया और तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है, तो सिंपली हो जाएगा वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाइनरी सोल्यूशन के लिए एक निकल गया, दूसरा बहुत आसानी से निकल जाएगा। टर्शियरी सोल्यूशन के लिए दो निकाल देंगे तो फिर तीसरा आसानी से निकल जाएगा। तो ये ओवरऑल है हमारा मोल फ्रैक्शन। ओके, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। इससे हम दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन और इस तरीके से लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग हर एक कंपोनेंट का निकाल के फिर फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ओके चलो, ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन एक करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लो कि इफ 5 ग्राम ऑफ NaOH, बार बार ये आ रहा है 5 ग्राम ऑफ NaOH, यही एक एग्जांपल लेके हम बता देंगे, इज डिसॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दोनों हमको निकालना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मोल फ्रैक्शन का जैसे ही क्वेश्चन आए तो जितना कंपोनेंट दिया हुआ है उसका सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या लिखो पूरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास 5 बाय मोलर मास, मोलर मास इसका कितना होता है 40। आ गया कहानी का दम, मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी 40 ग्राम में कितना मोल्स है, यही तो है नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू गिवन मास व्हिच इज 40 बाय इट्स मोलर मास दैट इज 18। कहानी खत्म। सबका पहले क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, सारे कंपोनेंट का हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH दैट इज 5/40 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करें। अब हमारा इसको सॉल्व करना आपका काम है,
ठीक। सिमिलरली व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O? तो इसको एक मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O दैट इज 40/18, ये ऊपर आएगा, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 5/40 प्लस 40/18। देखो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो इसका मोल्स ऊपर गया और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आया। या फिर दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, और चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन है और एक का निकल चुका है तो x ऑफ H2O को हम लोग लिख सकते हैं 1 - x मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हो या स्ट्रक्चर हो कुछ भी हो टोटल कंपोनेंट जो है उसके फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। तो x ऑफ H2O मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दोनों को सम कर देंगे तो पूरा सॉल्यूशन बन गया, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1। तो x ऑफ NaOH ऑलरेडी निकला हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो इससे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दे दो इसको, इससे हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इससे डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स सारे कंपोनेंट का निकाल लो और उसके बाद सॉल्व करते जाओ। ठीक है, हम आगे आते हैं, एक टॉपिक है डाइल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान है, ये फ्रैक्शन वाला बेस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ टर्म से पकड़ो इसका फ्रैक्शन निकालने, मोल का फ्रैक्शन। तो निकालना क्या है हमको, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूशन, से पहले देखेंगे, चलो डाइल्यूशन को निकालते हैं। डाइल्यूशन से पहले देखो एक फैक्टर आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, कैपिटल एम से निकालते हैं और उसको लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ध्यान देना ये अच्छा टॉपिक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम क्या कह रहे हैं इसमें, अगर बोले किसी भी एक सॉल्यूशन है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ये क्या है हमारा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी अगर दी गई है, मान लो 5 मोलर इसका स्ट्रेंथ, क्या है 5 मोलर इट्स स्ट्रेंथ, और इसका वॉल्यूम है मान लो 200 ml। ठीक, तो हमको अगर पूछा जाए कि भाई बताओ कि मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना पड़े, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सिंपली लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अमाउंट अभी हम केमिस्ट्री में किस टर्म में पढ़ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका SI यूनिट होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल होता है। ठीक है, जैसे टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है, उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम मोल में बांटते हैं। ठीक, तो हम पूछे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो देखो क्या निकालना है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब तो ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स क्या है। ठीक, तो मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी के लिए हम 5 लिखे, नंबर ऑफ मोल्स हमको नहीं पता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या दिया हमने 200 ml, तो उसको 200/1000 कर दिए क्योंकि लीटर में करना है कन्वर्ट। तो पूछेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा 5 × 200/1000, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है कि हम पूछे कि किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया हुआ है इतना मोलर है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कितना सॉल्यूट उसमें मिला है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितना सॉल्यूट मिला है इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो उसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम यहां से। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक नया मेथड मिल गया।
अगर किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उससे हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर इसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दोनों में से कोई भी टर्म यूज करें पास बराबर है, क्योंकि अमाउंट अभी हम किस टर्म में पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक नया फॉर्मूला हमको मिला है, तो इसी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक, तो अगर हम पूछे ये नोट डाउन किए, अब चलो आगे देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक नया फॉर्मूला मिल गया अभी हमको, किससे मोलैरिटी से, ओके, अब देखो अगर पूछे हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ध्यान देना दो एग्जांपल करवा के एक ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो, इसी क्वेश्चन से हम दूसरा क्वेश्चन बना के दिए थे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन अ 4 मोलर 5 लीटर सॉल्यूशन, इन अ 4 मोलर 5 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन है, हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना है 4 मोलर, पूछ रहा है कि HCl का ये सॉल्यूशन है, HCl का वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 5 लीटर, उसका स्ट्रेंथ कितना है 4 मोलर, इसका मतलब पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या HCl, ये क्या है हमारा, तो हमको पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास सॉरी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कितना है 4 है और वॉल्यूम कितना है 5 है, तो आगे 20 मोल्स, यानी हम बोल सकते हैं कि 20 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट, कहानी खत्म यहाँ नहीं हो रहा है, हमसे नंबर ऑफ मोल्स के जगह यहाँ पूछ दे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, तो क्या करेंगे, भूल जाओ एक सेकंड के लिए कि मोल्स दिया था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl प्रेजेंट, तो उस ग्राम्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 20 मोल्स, यानी हमको पता चल गया कि HCl का 20 मोल्स ऑफ HCl हमारे पास है, हमारे पास 20 मोल्स ऑफ HCl है, ठीक, जो कि यहां मिला हुआ है, अब पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, इसका मतलब 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5 ग्राम, याद आ रहा है अगर क्वेश्चन, तो 20 मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 36.5 जो कि हो जाएगा 730 ग्राम, ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 20 मोल्स ऑफ HCl, याद करो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो हम क्या वहां पर मोल्स मिला हुआ था तो हम उसको ग्राम में कर दिए, लेकिन जहां पर डायरेक्ट पूछ दे ग्राम में निकालना है, तो हमको यहां से एक आइडिया तो लग रहा है कि अगर ग्राम्स में निकालने पूछ रहा है, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद उस मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एक मोल जो होगा वो उसके मोलर मास के बराबर होगा, तो 20 मोल्स क्या हो जाएगा 20 × मोलर मास के बराबर, जो कि ये अमाउंट है, बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्ट अगर हमको कहां जाना है ग्राम में, तो क्या करेंगे सिंपली इसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यहां से एक और इंफरेंस निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स निकालने के लिए, ये समझने के लिए नंबर ऑफ ग्राम्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, जितना मोल आएगा, क्योंकि एक मोल का मास जो है उसके मोलर मास के बराबर होता है, तो जितना मोल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा, जो कि अपने केस में 730 ग्राम आया है, ठीक है, तो इसको एक बार सम अप करके इस क्वेश्चन को ध्यान रखना हमेशा,
नंबर ऑफ मोल्स निकालने, और नंबर ऑफ मोल्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम में, ठीक है। तो एक मोल किसके बराबर होता है, मोलर मास, तो वन मोल इज इक्वल टू 36.5 ग्राम, क्योंकि वन मोल जो होगा मोलर मास के बराबर। तो गिवन मोल्स में कितना ग्राम होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड, ओके। नेक्स्ट लेट मी चेक कितना टाइम हो रहा है। तो यहां पर हम लोग पढ़े मोलारिटी और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसको समअप करते हैं दो मिनट में, नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार टाइम बढ़ जा रहा है, ओके। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास अगर दे देंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स आ जाएगा, कि 20 मोल में कितना है 5 मोल आया, तो 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर, तो 5 मोल का मास 5 इनटू मोलर मास, तो वो अमाउंट ही ग्राम आ जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा अपन पढ़े, इसको ध्यान में रख सकते हो कि कोई एक सोल्यूशन है, टर्शियरी हो क्वार्टरनरी हो, फ्रैक्शन निकालना है जिसका, तो सबसे पहले तीनों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकाल लेंगे। फ्रैक्शन निकालना है तो उसका अमाउंट बाय टोटल अमाउंट, वही तो होता है फ्रैक्शन, ओके। जैसे फ्रैक्शन क्या है, इसका कितना फ्रैक्शन है, कितना अमाउंट बाय टोटल अमाउंट, यही हो जाता है इसका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। सिमिलरली बी करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, सी करेंगे तो यहाँ सी आ जाएगा, और टोटल फ्रैक्शन हमेशा एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन जनरली हमारी कंसर्न का चीज है, तो एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू वन, तो अगर x ऑफ a निकल गया है तो x ऑफ b निकालना है, तो क्या करेंगे 1 माइनस x से कर देंगे, हमको x ऑफ b के लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करना होगा, और ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। तो ये जो चीज़ है इसी को यूज करेंगे हम लोग डाइल्यूशन में, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले, ये कॉन्सेप्ट मोल फ्रैक्शन को नहीं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो समअप करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स निकालते हैं, लेकिन एग्जामिनर अगर हमसे पूछता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और हमको पता है कि एक मोल जो होता है उसके मोलर मास के बराबर होता है, तो 5 मोल्स में क्या हो जाएगा 5 इंटू मोलर मास, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम भी निकल गया, जो कि HCl के केस में देखे, इसको अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके देखो, ओके। तो ये दो टाइप का चीज़ आज हम लोग सीखे, होपफुली हम लोग डाइल्यूशन को नेक्स्ट क्लास में पक्का सीखेंगे, और अच्छे अच्छे जब डाइल्यूशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, उसके बाद लेट मी टेल यू कि उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इस तरीके से विद इन 2 to 3 क्लासेस फर्स्ट चैप्टर जो है कम्प्लीटली 11th का कम्प्लीट हो जाएगा, और ये जितना क्वेश्चन आप लोग किए हो क्लास 12th का क्वेश्चन करवाए हैं, NCERT क्लास 12th का डाउनलोड करो और सॉल्यूशन चैप्टर देखो, उसमें तुमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पार्ट जो सॉल्यूशन चैप्टर का है वो हम लोग वहीं से सारा क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो हम लोग 12th का भी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी 12th का भी कुछ क्वेश्चन कर लिए, इसीलिए बोलते हैं मोल कंसेप्ट बेसिक है, हर जगह काम आता है, तो इसको पढ़ो और समझ में आएगा, ओके। ऑल द बेस्ट, फिर सी यू इन द क्लास, ठीक है।